जिले में अतिरिक्त दहेज में बुलेट बाइक ना देने पर विवाहित को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आरोपी का चालान कर मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला थाना चरथावल क्षेत्र का है, जहां निवासी रुकैया का विवाह 6 माह पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला निवासी साजिद के साथ हुआ था। रुकैया का आरोप है कि शादी के 10 दिन बाद ही अतिरिक्त दहेज के लिए पति और अन्य ससुराल वालों ने उसको उत्पीड़न शुरू कर दिया था। आरोप है कि जब उन्होंने उत्पीड़न की शिकायत बिचौलिया अयूब उर्फ बूरा से की, तो उसने भी आरोपियों का साथ दिया। कल थाना चरथावल के ग्राम दधेड़ू की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसके अनुसार ससुराल पक्ष के द्वारा उसके उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा 3 तलाक के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। इन शिकायतों के आधार पर थाना पर FIR पंजीकृत की गई। आज चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस महिला के पति साजिद पुत्र इजराइल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित रुकैया का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज में बाइक ना देने पर उसके पति साजिद और ससुर इसराइल ने उसके साथ मारपीट की। मेरी शादी 17 जून 2022 को हुई थी, मुजफ्फरनगर लद्दावाला शहर में। तो शादी के महीने के बाद मेरे साथ उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी। दहेज की मांग करने लगे, भाई घर से पैसे ले क्या, बाइक ले क्या, बुलेट ले क्या, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। यहाँ तक कि धमकी भी थी मुझे, कई बार मेरे ऊपर उसने चाकू भी उठाया। फिर शादी के 3 महीने बाद में मेरे घर आ गई। घर आकर उसने मेरे पास फ़ोन किया रात को 2 अक्टूबर को तकरीबन 11-12 बजे। कहने लगा कि जो मैंने तुझे सामान कहा था उसका तेरा हुआ कि नहीं। मैंने बोला कि मेरे अब्बू इतने पैसे वाले नहीं हैं, बहुत गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, हमारे इतना जुगाड़ नहीं है। तो उसने मुझे कह दिया मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। उसने 3 बार मुझे तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक। किस किसके फोन द्वारा दिया किसने? जी फोन द्वारा। अब आप कहाँ आई हो और क्या चाहती हो? अब मैं यहाँ आई हूँ थाना चरथावल, मैं चाहती हूँ कि उसके लिए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। वही थाना चरथावल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर उसके पति साजिद अयूब उर्फ बूरा और ससुर इसराइल के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी साजिद को भी गिरफ्तार कर लिया। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।